नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल लर्न टू अर्न बाय इक्यार। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मेनी कंपनीज जिन्होंने अनाउंसमेंट किया है। उससे पहले इट्स अ रिक्वेस्ट, जो भी चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके सो चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट फर्स्ट फर्स्ट कंपनीज पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। डेट आप देख सकते हैं यहाँ पर, उन्होंने क्या बोला है दैट वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट पारस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडरी ऑफ पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड हैज रिसीव्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 400 यूनिट ऑफ एग्री ड्रोन्स फ्रॉम इफको। से उन्हें ऑर्डर मिला है इफको नैनो फर्टिलाइजर इंक्लूडिंग 2 ईयर AMC टोटलिंग अप्रोक्सीमेटली 42.4 करोड़ का उन्हें डील साइज मिला है। ओके सो मैं डिस्क्लोजर को रीड आउट करता हूँ। तो क्या है, सो नेम ऑफ द एंटिटी अवॉर्डिंग द ऑर्डर, तो ये है इफको, फुल फॉर्म इंडियन फर्टिलाइजर, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। और जिन्होंने ऑर्डर किया है सप्लाई ऑफ 400 यूनिट्स ऑफ एग्री ड्रोन इंक्लूडिंग एसेसरीज, स्पेयर्स, ट्रेनिंग फॉर ड्रोन पायलट एंड EMC। ओके, और ये ऑर्डर है डोमेस्टिक, सप्लाई ऑफ एग्री ड्रोन, एंटायर डिलीवरी ऑफ 400 यूनिट ऑफ एग्री ड्रोन बाई 31 मार्च 2024 में करना है इनको। डील साइज मैंने आपको बता दिया दैट 34.7 करोड़ का है, एंड देन 7.7 दोनों को एड ऑन करेंगे तो 42.4 करोड़ आएगा। इनका चार्ट पैटर्न को चेक करते हैं, जिस कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बता रहा है, इनका ब्रेकआउट का जो लेवल है, ब्रेकआउट का लेवल इस 640 अब 645 रुपए के ऊपर जाएगा, इसमें ब्रेकआउट आपको देखने के लिए मिल सकता है। और दूसरा चीज है कि इसमें जो मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर है, यहाँ देख सकते हैं, मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, दैट इज पॉजिटिव। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, दिस इज पॉजिटिव, और सुपर ट्रेंड इंडिकेटर भी ग्रीन है। सो इंडिकेटर्स दे आर पॉजिटिव एंड न्यूज इज ऑल्सो पॉजिटिव। सो कभी भी इसमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओके सेकंड कंपनी की ओर चलते हैं, तो सेकंड कंपनी इज CSB बैंक। CSB बैंक डेट आप देख सकते हैं, इसमें इन्होंने क्या किया है, बिजनेस अपडेट फॉर क्वार्टर एंडेड जून 30, 2023। अब इसमें इन्होंने अपना बिजनेस अपडेट दिया है, जो भी ये यहाँ डेटा है दैट इज इन क्रोर्स। ओके, और दिस इज 30/6/2022, मतलब लास्ट ईयर का है, दिस इज मार्च 31/3/2023 का है, एंड दिस इज 36/2023। तो हम लोग कंपेयर करेंगे दिस पार्ट, इसको और इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। इसमें देख सकते हैं लास्ट ईयर का डिपॉजिट क्या था, 20,266.77, अभी कितना है, 24,475.52। ओके सो ग्रोथ कितना है, 20.77। सिमिलरली कासा का कितना है, तो 7,120 लास्ट ईयर था, अभी कितना, 7,548, तो 5.98% का इसमें भी इम्प्रूवमेंट है। देन डिपॉजिट भी आप देख सकते हैं काफी इंप्रूवमेंट है, 28.78। सो रिजल्ट इज वेरी गुड। एडवांसेस में देखिए, लास्ट ईयर 7,099 था, अभी कितना है, 10,064, सो 41.76, इसमें भी ग्रोथ है। एडवांसेस में भी ग्रॉस एडवांसेस का अगर आप देखिएगा, एडवांसेस अगेंस्ट ये है गोल्ड, गोल्ड ज्वेलरी इंक्लूडिंग रिसीवेबल्स एंड सिक्योर्ड गोल्ड, ये इसमें भी लगभग 41-42% अप्रोक्सीमेटली का इंक्रीमेंट आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रॉस एडवांसेस लास्ट ईयर 16,339 का था, अभी कितना है, 21,306, तो काफी बेहतरीन रिजल्ट है अगर हम लास्ट जून से कंपेयर करें अभी का। ओके इसका चलिए हम लोग चार्ट पैटर्न को चेक करते हैं, तो चार्ट पैटर्न में CSB बैंक को देखते हैं, तो CSB बैंक का चार्ट पैटर्न कैसा है। सो दिस इज CSB बैंक, और CSB बैंक का भी ब्रेकआउट लेवल आप देख सकते हैं, दैट इज 297 रुपीज 50 पैसा, 297 रुपए 50 पैसे के ऊपर जाएगा, इसमें काफी बड़ी ब्रेकआउट, काफी बड़ी मूव इसमें देखने को मिल सकता है। इंडिकेट ये डेली चार्ट है, बताना चाहूंगा जो भी मैं बता रहा हूँ डेली चार्ट बता रहा हूँ। अब इंडिकेटर्स देख सकते हैं, दिस इंडिकेटर दैट इज सुपर ट्रेंड इज पॉजिटिव, मूविंग एवरेज ने अभी भी क्रॉसओवर यहाँ स्टार्ट किया है, सो एवरीथिंग इज पॉजिटिव, और जब भी सपोर्ट ले रहा है ये सुपर ट्रेंड में ही सपोर्ट, 264 में आकर सपोर्ट, दो बॉटम इसने बनाया देख सकते हैं, और उसका ब्रेकआउट यहाँ पर मिल गया नेकलाइन से तोड़ने के बाद। सो दैट द चार्ट इज वेरी गुड फॉर सीएसबी बैंक ऑल्सो। ओके सो लेट अस मूव टू द थर्ड कंपनी। सो द थर्ड कंपनी इज इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। आप डेट देख सकते हैं दैट इज जुलाई 1, 2023 का, इस कारण से चार्ट में अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। इसमें इन्होंने क्या किया है मैं बताऊंगा आपको, वी हेयर बाय इन्फॉर्म यू दैट अ मीटिंग ऑफ सिक्योरिटीज इश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट कमिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और इशू जो इशू कर रही है, ओके, वाज हेल्ड ऑन जून 30, 2023, वेर इन द कमिटी कंसिडर्ड एंड अप्रूव्ड पब्लिक इशू, ये पब्लिक इशू जारी कर रहे हैं बाई द कंपनी ऑफ सिक्योर्ड, कंपनी ऑफ सिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू 1,000 ईच NCDs, वो इशू कर रहे हैं फॉर एन अमाउंट 100 करोड़ का, 20 इशू शाइज विथ एन ऑप्शन टू रिटेन ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ 100 करोड़ एग्रीगेटिंग अप टू 200 करोड़। ओके सो इसको टोटल इन्होंने इस बॉक्स में दिया, आप देख सकते हैं इशू इशू टाइप ऑफ इशू क्या है, तो सिक्योर्ड है, रिडीमेबल है, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है,
साइज क्या होगा, तो 100 करोड़ का है, एंड प्लस अगर ओवर रिटेन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए 100 करोड़ और है, सो टोटल आपका आ जा रहा है 200 करोड़ का। इशू ओपनिंग डेट है जुलाई 10, 2023 और क्लोजिंग डेट है जुलाई 21, 2023। प्रपोज कहाँ लिस्टिंग है, तो बीएससी एंड एनएससी, बीएससी बीइंग द डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज है। और क्रेडिट रेटिंग क्या है, क्रिसिल का है ए स्टेबल है, ओके, एंड इकरा का क्या है ए स्टेबल। डीम डेट ऑफ अलॉटमेंट, तो आप इसको पूरा को रीड आउट कर सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस न्यूज न्यूज के कारण अभी इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के चार्ट में काफी इंप्रूवमेंट भी देखा गया है, एंड प्लस आपका काफी मोमेंटम में भी स्टॉक अभी है, ओके। सो इसको मैं आपको दिखाता हूँ इसका ब्रेकआउट लेवल क्या है। इसका ब्रेकआउट लेवल जो था दैट वॉज 118.50 रुपए, 118.50 रुपीज का ब्रेकआउट लेवल था, उसके ऊपर ये अभी अच्छा खासा ये क्लोजिंग की ओर बढ़ चुकी है, देख सकते हैं क्लोजिंग भी दिया है, प्लस आज के दिन में भी इसमें काफी अच्छा मोमेंटम दिखा जा रहा है, ओके। सो काफी बड़ा मोमेंट है, और ये देख सकते हैं पैटर्न सॉर्ट ऑफ क्रिएट हुआ है, एक ये देख सकते हैं दिस इज शोल्डर, दिस इज हेड, ओके, एंड अगेन दिस इज मिक्सड काइंड ऑफ है, ओके, मिक्सड काइंड ऑफ हेड एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। और इसका जो अगर आप रेट निकालिएगा तो लगभग 140 के ऊपर आ रहा है, 140 तक का टारगेट निकल कर आता है, ओके। सो इंडिकेटर्स डेली चार्ट में देख सकते हैं, सुपर ट्रेंड इज पॉजिटिव एंड मूविंग एवरेज, अब मैं जूम करता हूं आपको दिखाने के लिए, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इंडिकेटर्स बोल रहे हैं पॉजिटिव, ये देखिए यहाँ पर मूविंग एवरेज इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड सुपर ट्रेंड इज ऑल्सो पॉजिटिव, दे आर टेलिंग बाय, ओके। सो मूविंग टू द लास्ट कंपनी दैट इज लॉयड मेटल्स, इसमें भी पॉजिटिव न्यूज है, डेट देख सकते हैं जुलाई 3 का है, इसमें उन्होंने क्या बोला है, सो लॉयड मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड रिपोर्ट्स द हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन, हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन है, सो डीआरआई प्रोडक्शन 66.3 के टन्स, दैट इज 45% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा जा रहा है, एंड आयरन ओर 3.8 मिलियन टन, जिसमें 400% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा जा रहा है, ओके। सो काफी बड़ा अचीवमेंट है इनके लिए। और दूसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द कंपनी ऑल्सो शिफ्ट इट्स फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर इन Q1 FY24, फर्दर एक्सपेंडिंग जोग्राफिकल रीच बियॉन्ड पैन इंडिया, ओके। सो बियॉन्ड पैन इंडिया भी ये रीच अपना कर रहे हैं, ओके। टेबलर फॉर्मेट में देख सकते हैं आप यहाँ पर डीआरआई कितना था टन्स में, तो Q1 FY24 में 66,273 का है, लास्ट ईयर कितना था 45,842 का था, सो ईयर ऑन ग्रोथ 45% का आ रहा है, ओके। एंड आयरन ओर लास्ट ईयर 3.8 का है, अभी 0.8 का, तो इसमें भी आप देख सकते, लास्ट नहीं इस करंट ईयर में 3.8 का है, अभी लास्ट ईयर 0.8 है, तो 400% का ग्रोथ दिखा गया है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, करेक्टिंग माई सेल्फ, अभी है 66,273, लास्ट ईयर 45,842 का, तो ग्रोथ है 45% का। सिमिलरली आयरन ओर में भी देख सकते हैं ग्रोथ है 400% का। कंपनी क्या करती है आप देख सकते हैं, सो डीआरआई का फुल फॉर्म है डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन, DRI, ओके, आप इसको पूरा को रीड आउट कर सकते हैं अबाउट द कंपनी, ओके। सो इनका चार्ट जरा चेक करते हैं कैसा है, तो ये देखिए चार्ट है इनका, चूंकि न्यूज है, न्यूज बहुत अच्छा अभी आया है, इस कारण से देख सकते हैं इसमें काफी अच्छी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अभी डेली चार्ट में ऐसा कुछ, अभी चूंकि आज रिजल्ट आज इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, इस कारण से इसमें अच्छा मोमेंटम देखा गया है, लेकिन अभी क्रॉसओवर जो रहता है ये बेयरिश साइड में है, एंड सुपर टर्न इंडिकेटर आप देख सकते हैं जिस ऑरेंज कलर यहाँ पर, ये अभी बुलिश नहीं हुआ है, ओके। सो अभी चार्ट में बहुत अच्छा नहीं है कहना चाहूंगा, बिकॉज मूविंग एवरेज भी डाउनसाइड बेयरिश है एंड सुपर ट्रेंड इज ऑल्सो नेगेटिव, ओके। सो आई होप इस वीडियो के जरिए मैंने आपको क्लैरिटी बता दिया रिगार्डिंग द पारस डिफेंस, रिगार्डिंग सीएसबी बैंक, रिगार्डिंग इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस एंड रिगार्डिंग लॉयड मेटल्स, ओके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा देन वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, आलोक साइनिंग ऑफ, थैंक यू।